दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी हुए हैं और आज हम बाड़मेर की एक ऐसी स्कूल में आए हैं। इस स्कूल के बच्चों ने अगर 10वीं की बात करें तो यहां पर 10वीं क्लास में करीब 250 बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से ऊपर प्रतिशत बने हैं और 50 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनके 80% से अधिक जो है वो प्रतिशत बने हैं। इसके साथ ही ये स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। और अगर 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं आर्ट्स और साइंस की दो फैकल्टी स्कूल में चलती हैं, जिसमें से 100% रिजल्ट रहा है और इन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 80% से ऊपर अंक बने हैं। आज हम स्कूल में हैं और सबसे पहले हम आपको स्कूल की बिल्डिंग दिखाते हैं। यहाँ पर जो 12th तक की स्कूल है इसमें आर्ट्स और कॉमर्स दो फैकल्टी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर 3000 बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं, शहरी क्षेत्रों के बच्चे आते हैं और यहाँ पर वाहन की भी सुविधा है। तमाम प्रकार की आप देखिए बच्चे हैं, उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं तो उनको अलग से बिठाया गया है। सारे क्लासरूम, पानी की व्यवस्था सब कुछ बहुत ही शानदार है और इसी कारण है कि स्कूल के जो बच्चे हैं अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब मैं एक क्लासरूम में जाऊंगा और वहां से बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। दरअसल इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही है और ये बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं छुट्टियों में, क्योंकि इनको अच्छा रिजल्ट लाना है। आप देखिए बच्चे सारे के सारे जो हैं वो यहां पर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ बेटियों से बात करूंगा क्योंकि हमारे यहां की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही है। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में अभी आए हैं, 11th पास कर लिया है तो अभी तो छुट्टियां चल रही है, पढ़ने आए हैं। कैसी पढ़ाई यहाँ चलती है, क्या स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, तो आप साइंस है, आपके क्या लिया हुआ है? साइंस है, अभी पढ़ाई पढ़ने के लिए आए, सब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। तो 10th में कितने परसेंट आपके बने थे? 82। इसी स्कूल में थे आप? अच्छा, तो अभी क्या बनना है आपको? IAS बनना है। वाह, देखिए बच्चों के सपने देखिए। अच्छा आप देखो बेटा, आपका क्या नाम है? देखो रवीना। रवीना थोड़ा जोर से बोलो। रवीना अभी छुट्टी का टाइम हो गया है। हाँ, अच्छा अब घर जाना है तो भूख लगी इसलिए धीरे बोल रहे हो है? अच्छा कौन सी क्लास? आप भी 12th में ही होंगे। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छी है। हाँ, रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। हाँ, सभी सब्जेक्ट के दो दो पीरियड आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा बेटा, एक मैं चीज पूछना चाहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी एक्टिविटीज यहाँ होती है, चाहे गेम की बात करें या फिर नया नया कुछ सिखाने की बात करें, ऐसा कुछ होता है? हाँ, योगा वगैरह सिखाते हैं। योगा वगैरह भी सिखाते हैं तो अच्छा लगता है। आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं तो आपके कितने प्रतिशत बने थे 10th में आपके? 95 10th में थे। वाह क्या बात है, बहुत टैलेंटेड बच्ची। अच्छा बेटा क्या बनना है आपको बड़ा होकर के? IAS। आप दोनों को IAS बनना? अच्छा सभी को, मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी आप फर्स्ट वाले IAS बनना सबको, या कुछ और भी बनना है? हैं? अच्छा एक और बच्चे इनसे बात करूँगा, आपका क्या नाम बता? मेरा नाम देवेंद्र। देवेंद्र, अच्छा कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? बाड़मेर से ही हैं। तो यहीं कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं? इलेवेंथ दूसरा साल है, पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा यहाँ के क्या फर्क लगा आपको दूसरे स्कूल और स्कूल? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचर रेगुलर पढ़ाते हैं। हाँ टीचर रेगुलर पढ़ाते हैं और दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं। हाँ मंथली टेस्ट होते हैं। अच्छा आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह, आप स्वरूप सिंह कौन सा गांव है आपका? मेरे गांव से शिव। शिव से यहाँ यहीं रहते हो पढ़ाई करने के लिए? हॉस्टल में रहता हूँ, मारजा हॉस्टल में। हाँ, और यहाँ मारजा हॉस्टल इनकी खुद की है और पढ़ाई बहुत अच्छी है इसलिए मैं हॉस्टल में रहा हूँ। हाँ अच्छा, हॉस्टल में रहते हो और पढ़ते भी हैं, हॉस्टल भी है साथ में। अच्छा तो क्या स्कूल के बारे में और क्या अलग से आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं पहले गांव में पढ़ता कि वहाँ टीचर कम थे, पढ़ाई अच्छी थी नहीं, लेकिन यहाँ के पता चला कि पढ़ाई बहुत अच्छी है और मुझे लगता भी है कि ये बाड़मेर में टॉप स्कूल है और यहाँ रेगुलर टीचर अच्छे अच्छे टीचर होते हैं और अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं और टॉप टॉप टीचर ये ढूंढते और हमारे लिए अच्छे से लेके आते। निश्चित रूप से इनकी फैकल्टी है वो भी अच्छी होगी। और देखिए तमाम जो बच्चे हैं, और खास बात देखिए कि यहाँ जो बच्चियाँ हैं, हमने दो बच्चियों से बात की और दोनों का यही कहना है कि हमें IAS बनना है। एक 82% बना के बैठी है और दूसरी जो है उसके 95% बने। बहुत ही शानदार हमारी बेटियां जो लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं कहूंगा कि आप अगर कहीं क्षेत्र से तो एक बार अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्कूल की विजिट जरूर कीजिएगा।
मैं एक और क्लास में भी जाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर से भी बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सर इनको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर शायद टेस्ट चल रहा है। बच्चों टेस्ट चल रहा है, आ जाऊँ मैं अंदर। अच्छा कौन सी क्लास है ये? 12th है। आप बताओ क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। कौन सा गाँव है आपका? बवरियों की ढाणी। तो यहाँ आते हैं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा तो अभी क्या टेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? किसका चल रहा है? बायो का। ट्वेल्थ में पढ़ते हैं आप, तो कैसी पढ़ाई वगैरह यहाँ पर? अच्छी है। पहले कहाँ पढ़ते? यहीं पढ़ते थे, यहीं से सातवीं से यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा सबसे खास बात है कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने पाते। और एक और बेटी है, मैं इनसे भी बात करने को। देखो बेटा क्या नाम है आपका? नेहा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो नेहा? 12th में। अच्छा अभी क्या चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, बायो का टेस्ट है। तो यहाँ और क्या पढ़ा पढ़ा जाता आपको स्कूल में दिखता है जो बाकी स्कूलों में नहीं होता है? एजुकेशन तो अच्छी है, साथ साथ को एक्टिविटीज़ होती है, वो अच्छा लगता है आप लोगों को। बिल्कुल। अब मैं स्कूल के जो निदेशक हैं उन सर से भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमने काफ़ी बच्चों से बात की और बच्चों का जो मॉरल है, टैलेंट है, बहुत शानदार है। और बच्चियाँ विशेषकर जो कह रही हैं वो कि हमें IAS बनना है, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आपका स्कूल कहाँ है और किस तरीके के स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ है सर? मेरा स्कूल बाड़मेर शहर में स्थित है और विशेष बात महाराजा स्कूल की ये है कि जिले भर के जो ग्रामीण परिवेश के बालक है वो यहाँ आके पढ़ते हैं, जिनके पास रहने का ठीक से बाड़मेर में स्थान नहीं होता है और उनके इतने संसाधन नहीं होते हैं। तो मैं उन बच्चों को उसी लेवल से तैयार करके बहुत सारे बालकों को आर्मी में, वायुसेना में और पिछले 4 सेशंस में 22 बालक मेरे मेडिकल में गए हैं। अच्छा। तो वो पूरे भारत भर में नीट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो ये ऐसा मैं करने वाला एकमात्र विद्यालय हूँ शहर का। हाँ। और जिले भर के जो गांवों के बालक है उनसे वहाँ से गर्मियों की छुट्टियों में संपर्क करके बालक को लाता हूँ और उनको आगे तैयारी के हिसाब से। अच्छा सर ग्रामीण क्षेत्रों के अगर बच्चे यहाँ पढ़ने चाहें आपके अलग अलग जगहों से, क्योंकि बाड़मेर से अब ऐसे कई बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई प्रकार की सुविधाएं नहीं होती, तो आप क्या बस की भी सुविधा है या हॉस्टल की भी सुविधा है? बिल्कुल। हाँ। हॉस्टल की सुविधा है, अपना जिले भर का सबसे बड़ा हॉस्टल है जिसमें 250 बालक 24 घंटे रहते हैं और बसें पूरे शहर में दोनों पारी में बसें चलती है, पूरा शहर कवर करती है। और सर अभी बच्चों से हमने बात की, हम क्या को एक्टिविटीज भी होती है एजुकेशन के अलावा, तो किस टाइप की को एक्टिविटी या इस प्रकार की चीज़ें होती है जिससे बच्चे अट्रैक्टिव हो जाएं? हम समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन के लिए ऐसे मोटिवेटर्स जो अपनी फील्ड में काफी ऊंचा नाम किया है, ऐसे डॉक्टर्स, IAS या UPSC की जो परीक्षाएं होती है या SSC की परीक्षाएं, उनमें टॉपर्स बालकों को बुलाते हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन करवाते रहते हैं। और खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इस बार हमारे यहीं जिले भर की जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता वो यहाँ हुई, उसमें बच्चों ने भाग लिया और हमारे बच्चे स्टेट तक गए हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि महाराजा स्कूल बाड़मेर शहर के शिवनगर में है, सदर थाना के पास से यहाँ स्कूल आ सकते हैं। और अगर आप इसी साल नए सीजन में अपने बच्चों की एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो स्कूल के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा, यहाँ आइएगा, विजिट करिएगा, क्योंकि स्कूल के जो बच्चों से और यहाँ स्कूल के निदेशक इनसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर बच्चों का हर तरीके से विकास किया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ सारी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं ताकि बच्चे अपना भविष्य निखार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।